हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था चैप्टर नंबर 5 का फूड सेफ्टी। ये चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट ऑलरेडी किया था, तो उसमें हम लोग ने देखा था फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, ये टॉपिक हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। सो आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, वो हम लोग देखने वाले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग उसको कैसे फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके, या फिर उसमें हम लोग बहुत सारे जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, पैस्चुराइजेशन, ये सब जो मेथड्स मैंने बताए थे, वो हम लोग ये सब मेथड्स के बारे में डिटेल में देखने वाले आज के वीडियो में। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। सो अभी हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे वो टॉपिक। सो वो है फर्स्ट मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, ये अभी हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। सो एज आपको पता ही है कि मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग फूड को कौन से मेथड से हम लोग फूड को बचा सकते हैं, लाइक कोई भी हम लोग जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, उससे हम लोग के फूड पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का अटैक ना हो, और फिर अगर अटैक होगा तो आपको भी पता है कि ह्यूमन लाइफ को या फिर किसी को भी इन्फेक्शन से फिर सामना करना पड़ेगा, इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ से सामना करना पड़ेगा। सो हम लोग बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग फूड को बॉईल करते हैं या फिर हम लोग उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि उस पर अटैक ना हो। सो ऐसे सब बहुत सारे टेक्निक्स है, वो हम लोग आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यही टॉपिक है मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। सो इसमें टोटल 7 टाइप्स है, वो हम लोग वन बाय वन पूरा ऐसे मतलब शॉर्ट में देखेंगे क्या है कैसे। सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीजिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, आपको भी पता है कि फ्रीजिंग मतलब जो रेफ्रिजरेटर में हम लोग फूड रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, इसलिए तो उसे ही बोलते हैं फ्रीजिंग। तो हम लोग यहाँ पे अभी इसमें डेफिनेशन क्या लिखा है फ्रीजिंग है, वो हम लोग अभी देखेंगे। सो फ्रीजिंग क्या है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन फूड मटेरियल्स आर स्लोड डाउन एट लो टेम्परेचर। मतलब क्या कि जो रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं, तो उसको हम लोग को अवॉइड करने के लिए, वो जो रिएक्शन होते हैं तो उसको स्लो डाउन करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, मतलब एट लो टेम्परेचर। आपको भी पता है कि जो आइस का टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर होता है, सो उसमें हम लोग उस पर रखते हैं। फूड रिमेंस इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट इज रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड इन किचन। आपको भी पता है कि फूड जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो बहुत समय के लिए चल सकता है और वो एक मतलब प्रॉपर एक कंडीशन में रहता है, गुड कंडीशन में रहता है, फूड ख़राब नहीं होता, सो इसलिए हम लोग उसको रखते हैं रेफ्रिजरेटर में जो हम लोग के किचन में होता है, सो इससे माइक्रोऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्रीजिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हम लोग ने फ्रीजिंग देख लिया है प्रॉपरली, सो अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये हम लोग अभी देखेंगे। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड मतलब क्या, सो आपने नाम तो सुना ही होगा इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स, आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना ही होगा साइंस में। सो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सो ये हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो फूड होता है या फिर हम लोग प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं, फूड पे स्प्रे करते हैं, क्यों स्प्रे करते हैं, ताकि जो हमारे फार्म में क्रॉप्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उस पर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उस पर अटैक ना करें, इसलिए। और वो प्लांट्स पे अटैक करेगा तो क्या होगा, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो उसको डैमेज कर देता है, उसको ग्रोथ होने में प्रॉब्लम होता है, फिर डैमेज कर देता है, तो इसलिए हम लोग इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ताकि डैमेज ना हो और हमारा फूड प्रिजर्व रहे या फिर प्लांट्स अच्छे से ठीक से रहे, इसलिए। सो आपको पता ही है कि हम लोग फार्म से जब भी फूड कोई भी लाते हैं, लाइक राइस हो, व्हीट हो, सो उसको गनी बैग में पैक किया जाता है, आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पे फोटोस क्लिक करूँगी, आप उसमें देख सकते हो, लाइक आप कोई भी गोडाउन जा सकते हो या फिर कोई भी शॉप में जाके देख सकते हो, तो उसमें फूड होता है वो गनी बैग में पैक किया होता है। सो उस पर क्या करते हैं, वो फूड ख़राब ना हो, उस पर वो फूड ग्रेन्स पे कुछ भी ना हो, इसलिए क्या करते हैं, वो जो गनी बैग्स के ऊपर से
इंसेक्टिसाइड जो होता है वो स्प्रे किया जाता है ताकि उस पर कोई भी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े उस पर ना लगे और वो फूड ग्रेन्स खराब ना हो, इसलिए यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का मदद किया जाता है, इंसेक्टिसाइड इसी वजह से यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए या फिर फूड प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, दैट इज़ यूज़ ऑफ इनर्ट गैसेस, यूज़ ऑफ इनर्ट गैसेस, दैट इज़ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ इनर्ट गैसेस। यूज ऑफ इनर्ट गैसेस मतलब क्या, अभी हम लोग वो देखेंगे। सो आपको पता ही है कि कोई कोई जो भी फूड होता है तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी उसमें गैस भरे हुए होते हैं, मतलब कोई भी फूड में गैस ऑलरेडी उसमें फिल किया जाता है। क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि वो फूड खराब ना हो इसलिए। सो अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे उसका क्या है। सो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स इन देम। सो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, जो नाइट्रोजन गैस होता है वो क्या हुआ होता है, वो फिल किया जाता है वो गैस किसमें, एयर टाइट जो पैकेट्स होता है, लाइक आपका वेफर का पैकेट आप लाते हो कहीं कौन सा भी पोटैटो वेफर्स का, या फिर उसमें आप देख सकते हो पूरा ऐसे हवा हुआ भरा हुआ रहता है, बालाजी के वेफर्स होने दो, कोई भी वेफर्स होने दो, उसमें पूरा ऐसे एयर टाइट जो पैकेजिंग होता है उसमें वो नाइट्रोजन का जो गैस होता है वो फिल किया जाता है। क्यों फिल किया जाता है, ताकि वो जो हमारा प्रोडक्ट रहता है अंदर का जो, तो वो ख़राब ना हो या फिर उसको इंसेक्ट्स ना लगे या फिर फंगस ग्रो ना हो, इसी वजह से उसमें वो नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, ख़राब ना हो इसलिए। सो यही है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ यूज़ ऑफ इनर्ट गैसेज। सो आई होप आपको ये तीन टॉपिक्स पूरे क्लियर हुए होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, तीन हो गए, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला, दैट इज़ यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, वो हम लोग देखेंगे। फोर्थ वन, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव। सब लोग हम लोग देखेंगे यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या है, कि ऐसे जो हम लोग चीज़ें यूज करते हैं फूड में डालने के लिए, ताकि उसका जो शेल्फ लाइफ होता है तो वो बहुत देर तक उस मतलब चल सकता है, वो फूड खराब ना हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल बताया था, दैट इज पिकल, तो मतलब उसको अचार बोलते हैं। सो ये जो पिकल होता है वो हम लोग रोज़ तो नहीं लेते, हम लोग कभी कभी लेते हैं थोड़ा सा, बट वो पिकल जो होता है वो ख़राब नहीं होता अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो, बिकॉज उसमें बहुत सारे से तेल या फिर से प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। सो इसी के बारे में हम लोग अभी देखने वाले, यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। सो प्रिजर्वेटिव्स दो टाइप के होते हैं, एक है नेचुरल और सेकेंड है केमिकल। एक है नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड सेकेंड है केमिकल प्रिजर्वेटिव। ये भी हम लोग देखेंगे, नेचुरल और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते, क्या होते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। सो फर्स्ट है नेचुरल प्रिजर्वेटिव। सो नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या होता है, कि नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जाम्स एक्सेट्रा। सो जो नेचुरली अवेलेबल होता है, शुगर या फिर सॉल्ट या फिर ऑयल, ये जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। किसमें यूज़ करते हैं, पिकल्स जो मैंने अभी बताया अचार का एग्जांपल, पिकल्स, जाम्स, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये सब आता है नेचुरल में, नेचुरल प्रिजर्वेटिव में। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले देखेंगे केमिकल प्रिजर्वेटिव। केमिकल प्रिजर्वेटिव कौन से है वो हम लोग देखेंगे, जो आपको पता ही है कि लैब में जो होता है केमिकल, जो केमिकल्स होते हैं, तो उससे प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो उसमें आता है एसिटिक एसिड मतलब विनेगर आपका, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। सो ये जो मैंने अभी बताया एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ये सब जो चीज़ें हैं, सो ये यूज़ किए जाते हैं एज ए केमिकल प्रिजर्वेटिव फूड प्रोडक्ट्स में, ताकि वो फूड ख़राब ना हो इसीलिए। सो ये सब जो चीज़ें हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, दे आर यूज इन सॉसेस, आपको सॉस टोमेटो सॉस होता है उसमें यूज़ किया जाता है, जेलीज में यूज़ किया जाता है, जाम्स में यूज़ किया जाता है, और जो पैकेज्ड फूड रहता है आपको पता ही होगा, जो कंटेनर में फूड होता है या फिर प्लास्टिक बैग में, ऐसे पोटैटो वेफर्स टाइप, ऐसे पोटैटो वेफर्स नहीं बट ऐसे ही कुछ टाइप का होगा फूड जो, या फिर रेडी टू ईट फूड जो होता है लाइक मैगी वगैरह, ऐसे जो भी चीज़ें होती है, सो इसमें ये सब चीज़ें यूज़ किए जाते हैं केमिकल केमिकल प्रिजर्वेटिव, ये सब यूज़ किया जाता है। दिस प्रिजर्वेटिव कीप फूड सेफ फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। सो ये प्रिजर्वेटिव जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है वो फूड को बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं, फूड ख़राब नहीं होगा। सो ये हुआ यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव नेचुरल और केमिकल के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, दैट इज़ पैस्चुराइजेशन। पैस्चुराइजेशन क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, दैट इज फिफ्थ वन, पैस्चुराइजेशन।
सो पैस्चुराइजेशन आपको पता ही है कि क्या एक्चुअल सीन है उसका. सो पैस्चुराइजर मतलब क्या होता है कि वो एक प्रोसेस है जो यूज़ की जाती है मिल्क में, मिल्क अच्छे से रहने के लिए उसमें ये प्रोसेस यूज़ की जाती है, मतलब मिल्क के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं सो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है पैस्चुराइजेशन मेथड बेसिकली. सो पैस्चुराइजेशन के बारे में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. सो मेथड इन्वॉल्व हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूडस्टफ अप टू ए सर्टन टेम्परेचर. सो ये मेथड में क्या होता है कि जो मिल्क होता है उसको हीट किया जाता है या फिर उसके सिमिलर जो फूडस्टफ होते हैं उसको हीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे. दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क, जो मैंने अभी बताया आपको. वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें प्रेजेंट होता है मिल्क में, एंड इट कीप्स फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. और वैसे उसको मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर डेवलप टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड. सो ये जो साइंटिस्ट है सर लुईस पाश्चर, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने ये टेक्निक पाश्चराइजेशन की टेक्निक जो है वो फाइंड आउट की है, डेवलप की है. सो ये इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी होता है मिल्क का या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट का, सो वो अगर टेम्परेचर हम उसका ज़्यादा करेंगे सो उससे वो माइक्रोबियल ग्रोथ वो फूड पे या फिर कोई भी फूड स्टफ पे मिल्क पे ग्रोथ नहीं होगी अगर हम लोग उसका टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे सो और उसका वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलेगा. सो ये उन्होंने कंक्लूड किया है. सो ये हुआ फिफ्थ पॉइंट, डेट इज़ पैस्चुराइजेशन. सो आई होप आपको ये पांच पॉइंट्स अभी तक के क्लियर हुए होंगे. सो अभी और एक उसमें और दो पॉइंट्स है, दैट इज़ स्मोकिंग एंड इरेडिएशन, वो अभी हम लोग देखेंगे. हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज सिक्स वन, वो है स्मोकिंग, वो हम लोग अभी देखेंगे. सिक्स पॉइंट स्मोकिंग, वो अभी हम लोग देखेंगे. आपको सबको स्मोकिंग मतलब वही सब लगता है जो मुझे भी अभी लग रहा है. सो ये स्मोकिंग अलग है. सो ये स्मोकिंग क्या है, फूड प्रिजर्वेशन वाला स्मोकिंग है. मतलब आपको पता है कि आप अगर कोई भी पार्टी वार्टी में जाते हो तो जो बारबेक्यू वगैरह लगाते हैं सो नीचे से वो धुआं दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्मोकिंग. सो वो उससे क्या होता है, वो जो फूड होता है उसमें फ्लेवर आ जाते हैं और वो कुक भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है जो फूड का जो मॉइस्चर कॉन्टेंट है वो चला जाता है, और उससे क्या होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है फंगस का या फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ उस पर नहीं आता, प्रिवेंट करता है वो ग्रोथ को. सो यही होता है स्मोकिंग का प्रोसेस. और स्मोकिंग में क्या यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज़ यूज इन दिस मेथड. स्मोकिंग में मेथड में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ये यूज़ किया जाता है. फूड इज़ प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक, जो मैंने आपको बताया कि वो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई. तो यही होता है स्मोकिंग का प्रोसेस. अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, दैट इज़ लास्ट वन, दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन का लास्ट वन है इरेडिएशन, वो हम लोग अभी देखेंगे. सेवन पॉइंट, दैट इज इरेडिएशन. इरेडिएशन क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे. सो इरेडिएशन मतलब क्या होता है कि आपको पता ही है कि जो हाई जो रेज होते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी के जो रेज होते हैं उससे हम लोग कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे. सो इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय एक्सेलरेटर, एक्सरेज, गामा रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक्सेट्रा. सो मैंने अभी आपको बताया कि फूड को एक्सपोज किया जाता, मतलब उसको एक्सपोज किया जाता है जो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के जो रेडिएशंस होते हैं वो लोग उससे पास किया जाता है फूड में, दैट इज़ आपका एक्सरे, गामा रेज, ये सब जो होता है. और दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. सो ये प्रोसेस क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है या फिर इंसेक्ट जो होता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली, और शेल्फ लाइफ होता है फ्रूट का वो इंक्रीज कर देता है ड्यू टू इंक्रीज इन राइपनिंग पीरियड. सो शेल्फ लाइफ जो होता है फूड का, मतलब फ्रूट का, सो वो क्या करता है उसको इंक्रीज कर देता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और शेल्फ लाइफ उसका बढ़ा देता है. सो यही है इरेडिएशन का. सो आई होप आपको ये सब मेथड जो मैंने अभी बताया आपको, मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन की सब मेथड्स, टोटल सेवन मेथड्स, दैट इज़ फर्स्ट फ्रीजिंग, सेकेंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ इनर्ट गैसेस, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स नेचुरल एंड केमिकल, पैस्चुराइजेशन, स्मोकिंग एंड इरेडिएशन. आई होप आपके सब टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आज के टॉपिक जो भी है फूड प्रोटेक्शन के. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो. सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.